बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन है और जेडीसी कुर्बानी बराए मुस्तहकीन का सिलसिला जारी है। उलमाए किराम की आमद, आप आ रहे हैं, ऊंट नहर कर रहे हैं, जानवर ज़िबा कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे कराची में जानवरों का जो गोश्त है ये कुर्बान किया गया, रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे साबिक चेयरमैन रेहान हाशमी साहब MNA यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और उसके साथ क़िबला मौलाना सलीमुल्लाह तुर्क साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के कराची के सेक्रेटरी इत्तला हैं, आप मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला हफीज़ साहब, दारुल उलूम तहफीज़ुल कुरान के सरबरा हैं। उसके अलावा लांडी कोरंगी में बहुत बड़े पैमाने पर तबलीगात दीन के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। रेहान भाई सर का तारुफ़ भी करा दें। डॉक्टर शब्बीर हैं, डॉक्टर शब्बीर एग्जीक्यूटिव मेंबर है आर्ट्स काउंसिल के, इसके अलावा लाइब्रेरी कमेटी को भी देख रहे हैं माशाल्लाह। मेरे साथ UC8 नॉर्थ अहमदाबाद के जो नामजद जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती वो मौजूद हैं, और सैफ राव सैफ साहब मौजूद हैं, उमैर साहब मौजूद हैं और पूरी टीम जफर अब्बास को के साथ सॉलिडारिटी के लिए आज इस मौके पर, खास तौर पर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी ये उनकी पूरी टीम लगी पड़ी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अहले सुन्नत के जो उलमा दीन है, अहले सुन्नत के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग और तमाम मकतबे फ़िक्र के तमाम फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जफर की जीत है मैं समझता हूँ, और इस सोच की जीत है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है। हमारी सॉलिडारिटी हमारी हम इनके साथ खड़े हैं और माशाल्लाह मुबारक करें। हज़ारों घरानों को इन्होंने दे दिया और अभी तक मेरे पास जो तादाद आई है वो तकरीबन 6,500 किलो गोश्त तकसीम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4,500 घरानों में ये दो दिन में ये गोश्त जो तकसीम कर रहे हैं ये पहुंचा चुके हैं। अल्लाह इनको इस्तेकामत दे, हिम्मत दे, और सब लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा कि या तो जफर अब्बास बने या जफर अब्बास जैसे बनने की कोशिश करें या इनका साथ दें अगर नहीं बन सकते तो। बहुत शुक्रिया क़िबला मौलाना सलीमुल्लाह तुर्क साहब, आप हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं इत्तेहाद के हवाले से, बैदत के हवाले से। और मैं रेहान भाई आपको बताऊंगा, जो कराची में ईद की सबसे बड़ी नमाज होती है सब्जी मंडी में, तो लाखों लोग एक साथ नमाज ईद की अदा करते हैं, क़िबला की इक्तदा में होती है, आप पढ़ाते हैं। क़िबला कैसा लगता है, हर साल आप आते हैं अपने हाथों से जानवर नहर करते हैं, कुर्बान करते हैं, सारा सिलसिला और तकसीम देखते हैं। महमदुन सलीम रसूल करीम, जिस तरह रेहान भाई ने कहा कि जो हमारा एशिया का बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कराची है, 3 करोड़ की आबादी है, इसमें जो गरीब ज़्यादा गरीब हैं, गुरबत वाले हैं, वो तो मांग तांग के भी अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझसे पहले काजी अहमद नूरानी साहब की वीडियो देख रहा था आपकी वेबसाइट पे कि जो मुतवसित तबका है, हमें जिस तरह जफर भाई कर रहे हैं काम, उनकी टीम कर रही है, उन तक हम पहुँचाते हैं, ये पहुंचा रहे हैं, हम इनके साथ अपने पिछली वीडियो में इनको कमेंट्स में यही किया कि इंशाल्लाह कदम ब कदम हम आपके साथ हैं। और जफर भाई की तरह तमाम अहले सरबत को या काम करने वाले साथियों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस तरह का माहौल बनाएं और इस महंगाई के उरूज में और इस नफ़रतों के आलाइशों में हमें मोहब्बत का दिया मजीद बढ़ाना होगा, चराहों को जलाना होगा। और इंशाल्लाह अज़ीज़ जिस तरह रियान भाई ने कहा, हम मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे, साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला हफीज़ साहब, आपसे पूछूंगा क्या मैसेज देंगे आज आज के इस हवाले से जो कुर्बानी हो रही है और इत्तेहाद और वहदत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जफर भाई जो काम कर रहे हैं इस वक्त इत्तेहाद बैन-उल-मुस्लिमीन के लिए, ये सबसे बड़ा काम है, अजीम काम है और एक बड़ी अजीम खिदमत है। और आज हमें यहाँ बुलाया गया है और दीगर उलमाए किराम अब से कुछ देर पहले यहाँ मेरे साथ मौजूद थे और हर मसलक के उलमा यहाँ आए हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक के। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या बोलेंगे, आप तो आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ये इस वक्त क्या मैसेज जा रहा है, क्या पैगाम जा रहा है तमाम? मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, मेरी पहली भी आपसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं आर्ट काउंसिल का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हमारा आपके साथ है, उसी सब से मैं एक ये है कि मैं मरकजी तंजीम आरई आल पाकिस्तान जो है सबसे बड़ी आरई बिरादरी है, वो उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी अगर तंजीम आपके आगे मिलना चाहे और जो भी हमारा साथ हो, हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, अच्छे काज के लिए हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर तमाम मेहमान निगरानी का शुक्रिया अदा करूंगा और ये सिलसिला जारी है। आप नहीं दिखा सकते फेसबुक की पॉलिसी है किस तरह जानवर कट रहे हैं, खून खराब है, कुछ भी नहीं दिखा सकते, लेकिन तमाम उलमाए किराम आ रहे हैं नॉन स्टॉप तरीके से, जिन इलाकों से गाड़ियाँ आ रही हैं सब भरी जा रही हैं, हमारे ट्रक जा रहे हैं और ये 2022 JDC कुर्बानी बराए मुस्तहकीन का सिलसिला जारी है।